एक मित्र ने पूछा है कि क्या कोई ऐसा भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो व्यक्ति को ध्यान में जाने में सहयोगी हो, या कोई ऐसा वातावरण जो ध्यान में जाने में सहयोगी हो, और क्या कोई भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह से जीवंत फॉर्म में बनाया जा सकता है कि वो लंबे समय तक लोगों को उनकी अंतरयात्रा में सहयोग करता रहे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इस भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है। मैं समझता हूँ तुम शायद कहना चाह रहे हो कि कोई ऐसा फॉर्म, कोई ऐसी बाहरी आकार प्रकार की चीज़ जो ध्यान में ले जाने में सहयोगी हो, क्या उसे बनाया जा सकता है। इस पर तमाम लोगों ने अपना चिंतन मनन किया है, विचार किया है। सच्चाई ये है कि चीज़ें सहयोगी होती हैं, ऐसा नहीं कि सहयोगी नहीं होती, लेकिन वो इतनी सहयोगी नहीं होती हैं कि तुम उनके बिना ध्यान में नहीं जा पाओगे, या वो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं होती कि तुमको ध्यान में ले ही जाएंगी। देखो, एम्बियंस का, वातावरण का फ़र्क तो पड़ता है। तुम नेचुरल जगहों पर जाते हो, नेचुरल प्लेसेस पर तुमको अच्छा लगता है और सभी को लगता है कि ध्यान सहजता से हो जाता है। इसी तरह से अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कुछ ऐसा बनाएं, ऐसा एम्बियंस क्रिएट करें, सूदिंग हो, स्मूथ हो, उसके चारों तरफ का वातावरण सुखद हो, तो लोगों को सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो उनके मन के लिए एक सहजता की स्थिति पैदा करेगा, वो ग्रहणशील हो पाएंगे। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें कोई मैजिकल, मिस्टिकल, अगर ऐसी बात तुम सोचो कि वो होगी, तो उसका कोई भी आधार नहीं है। यानी कि ऐसा कोई रहस्यमय और जादुई ढांचा नहीं बन सकता, कोई स्वरूप या कोई आकार प्रकार नहीं बन सकता जो बस उस अपने होने की वजह से किसी को ध्यान में डालेगा। लोग सोचते रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन ये ऐसी ही बातें हैं जैसे रिमोट कंट्रोल हाथ में लेने वाली बात, कोई रिमोट किसी के पास हो और बटन दबाएं और ध्यान शुरू हो जाए। जीवित व्यक्ति का इसलिए महत्व रहा है, जीवित गुरु का महत्व रहा है, जो हमारे आसपास जीवित बुद्ध हैं उनका महत्व है, उनकी प्रेजेंस, उनकी जो प्रेजेंस से निकलती हुई ऊर्जा है वो सहयोग करती है, और उस प्रेजेंस से एक वातावरण भी बनता है, वो सहयोगी होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म में बहुत दूर तक सहयोग नहीं मिलता। भारत में इतने मंदिर बनाए गए, इतनी और व्यवस्थाएं बनाई गई, वो बनाई तो इसीलिए गई कि व्यक्ति को ध्यान में जाने में सहजता हो, लेकिन धीरे धीरे कोई भी मंदिर हो, कोई स्ट्रक्चर हो, वो अपने ही रूटीनी वे का शिकार हो जाता है, अपने ही कर्म कांडों का शिकार हो जाता है, और लोग ध्यान में चले जाते हैं। ऐसा कोई भी डेटा या कोई भी उदाहरण इतिहास में हमारे पास उपलब्ध नहीं। हाँ, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ को सहयोगी लग सकता है, लेकिन फिर वो धारणाओं पर खड़ा हो जाएगा। जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर किसी की धारणा से मेल खाएगा, उसके लिए वो सहयोगी होगा, जो किसी की धारणा से मेल नहीं खाएगा, वो उसके लिए सहयोगी नहीं होगा। तो मूल चीज़ तो यही हो गई कि हम अपनी धारणाओं से मुक्ति पाएं, अपनी धारणाओं को नियोजित करें, उनको चैनलाइज करें। धारणाएं बांधती हैं। ध्यान में जाने के लिए हमारे ऊपर जो ये बाहरी ज्ञान और बाहरी धारणाएं आरोपित कर दी गई हैं, उनकी परतों को हटाया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बीच बाज़ार में ध्यान में जाएंगे, फिर हम युद्ध की ज़मीन पे ध्यान पे जाएंगे, जैसे कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, यही इशारा करता है कि जीवन के युद्ध की ज़मीन पर बीच में खड़े होकर भी हम परम ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कोई अलग से आयोजन करना पड़े, ये ज़रूरी तो नहीं।
किसी भी ऐसे बाहरी भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत व्यक्ति को बंधन में डालने वाली ही है और किसी न किसी रूप में उसके लिए बैसाखी का काम करने वाली है। मूल रूप से उसको यही समझना है कि ये गहरी समझ है, ध्यान गहरी समझ है और वो समझ तो कहीं भी अवतरित हो सकती है। तुम कहीं भी हो, जीवन की कैसी भी स्थिति में हो, अगर तुम खुले हुए हो, ग्रहणशील हो, तुम्हारी प्यास प्रबल है, तुम्हारे प्राणों में एक तीव्रता है, संकल्प की आग तुम्हारे भीतर जल रही है, तो फिर कोई भी बाहरी आयोजन तुमको ध्यान में जाने से नहीं रोकता। पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाता है। ये दृष्टि लेकर चलना ज़्यादा मुक्तिदायी होगा, बजाय कि किसी ढांचे में स्ट्रक्चर में अटक जाना, वो तो तुम्हें नए सिरे से किसी दुष्चक्र में उलझा देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो यात्रा है, अंतर यात्रा है, ये मुक्ति की यात्रा है। इसमें हमको किसी चीज़ का इनकार नहीं करना है, किसी चीज़ का अनादर नहीं करना है। जो है सब सुंदर है, शुभ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमको कोई भी चीज़ अटकाने वाली नहीं हो सकती और अंतर यात्रा के लिए कोई भी बाहरी आयोजन अनिवार्य, आवश्यक, अपरिहार्य नहीं है। तुम्हारी अभीप्सा, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तत्परता, वही आवश्यक।